हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा और उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके क्या फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी विच इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। सच टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस टाइप की एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द मूविंग स्ट्रीम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। ये क्या होता है? ये एक ऐसी मूविंग स्ट्रीम होती है जो इलेक्ट्रॉन या चार्जेस द्वारा की जाती है, या फिर आप कह सकते हो एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्ज फ्लो करते हैं तो क्या होती है? ये एनर्जी रिलीज होती है। अब बात आती है इनके एग्जांपल्स की। तो इनके एग्जांपल्स क्या होंगे? लाइटिंग ऑफ बल्ब, बल्ब कैसे लाइट करता है, इलेक्ट्रिकल फैन, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट्स आवर होम्स, रन मोटर्स एंड मेकर्स आवर TVs and radios work. Example, CD player, TVs and video games. ये सब किसके example हैं? ये example है electric energy के। Next topic है magnetic energy. तो magnetic energy क्या होती है? Energy stored in magnetic field. Magnetic field में जो energy store होती है उसको बोलते हैं magnetic energy. ईच मैग्नेटिक फील्ड्स कंटेन एनर्जी। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो एनर्जी को कंटेन रखता है, स्टोर करके रखता है, उसी को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिन पर हम डिपेंड रहते हैं डेली लाइफ में। आयरन ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइंड टर्बाइन इज यूजिंग वाइंड टू स्पिन द मैग्नेट। जो वाइंड टर्बाइंस होती हैं उनको क्या जरूरी होता है? हवा की ज़रूरत होती है ताकि वो स्पिन कर सके, घूम सके। अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी डज द सेम बट विद द पावर ऑफ मूविंग वाटर। नेक्स्ट है, मैग्नेट्स आर यूज टू मेक अ टाइट सील ऑन द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स। आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर हैं एंड फ्रीज हैं उनका गेट लॉक हो जाता है। कैसे हो जाता है? उन पर मैग्नेट्स लगी होती हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। पावर स्पीकर्स, ईयरफोन्स, इन सब में क्या लगी होती है? मैग्नेट लगी होती है। जैसे टेलीविज़न है और कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होते हैं वो मैग्नेट के थ्रू ही स्टोर किए जाते हैं। एंड आर इम्पोर्टेंट इन स्कैनिंग मशीन। जो स्कैन करने वाली मशीन होती है जिनको MRI बोलते हैं, उनमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक एनर्जी काम में आती है। अब नेक्स्ट एनर्जी है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी स्टोर्ड इन साउंड। जो साउंड में एनर्जी स्टोर रहती है वाइब्रेशन के रूप में, उसको हम बोलते हैं साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तो वहाँ पे साउंड एनर्जी जनरेट होगी या प्रोड्यूस होगी। द साउंड वाइब्रेशन कॉजेज वेव्स ऑफ प्रेशर दैट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम सच एज एयर, वाटर, वुड और मेटल। और इन ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट होने में कोई भी मीडियम काम आ सकता है, एयर, वाटर, वुड, मेटल, कुछ भी। साउंड एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है, एक टाइप होती है। अब हम बात करते हैं साउंड एनर्जी के एग्जांपल्स की। तो साउंड ऑब्टेंड बाय वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशन। तो साउंड कैसे जनरेट होती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, वाइब्रेशन से। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, उनको बीट किया जाता है, तो उनमें क्या होती है? वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, और उन वाइब्रेशन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको साउंड एनर्जी कहा जाता है। जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं,
तो जब वो बातें करेंगे तो वाइब्रेशन जनरेट होगा और वो एक दूसरे की साउंड को सुन पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर साउंड एनर्जी जनरेट हो जाती है। जब हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो वो भी किसके थ्रू सुनते हैं? साउंड एनर्जी के थ्रू। जब हम कोई गेट बजाते हैं, किसी चीज़ को बीट करते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और उस वाइब्रेशन से साउंड एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी का नेक्स्ट फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिजन। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न या फिजन की एनर्जी होती है। द एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एटम और एटम्स आर स्प्लिट। जब कोई एटम या एटम्स स्प्लिट होते हैं तब ये एनर्जी जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है। एटॉमिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ एटम्स इज़ एनर्जी कैरिड बाय एटम्स। ये एटम्स अपनी जो एनर्जी है वो खुद लेके जाते हैं, इसलिए इनको एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी के एग्जांपल्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर या न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराने के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? ये एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में, न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने में, और सन जो एनर्जी काम में लेता है उसमें भी एटॉमिक एनर्जी काम आती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब हम कन्वर्ट करेंगे एनर्जी को, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी कैसे बनाई जाती है, लाइट एनर्जी से साउंड एनर्जी कैसे बनाई जाती है, इस तरह हम एनर्जी का कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। क्या होता है? एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी कन्वर्जन ऑक्योर्स एवरीवेयर एंड एवरी मिनट ऑफ द डे। ये एनर्जी जो है कन्वर्ट होती रहती है। देयर आर न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ऐसे बहुत सारे से टाइप्स होते हैं एनर्जी के, जिनमें हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यहाँ आप इन एग्जांपल से समझ सकते हो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन किस तरह से होता है। पहले केमिकल एनर्जी से वो क्या आ रही है? मोशन में आ रही है। जैसे सन है, सन से हमें रेज मिलती है, और फिर क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, तो वो उनमें क्या होता है, ये केमिकल प्रोसेस आ जाती है। क्या हुआ? रेडिएंट से केमिकल प्रोसेस में चेंज हुआ। जैसे पेट्रोल डीजल है, ये क्या है, केमिकल रूप में रहते हैं, फ्यूल होते हैं। जब आप इनको कोई व्हीकल में यूज़ करते हो तो वो जो व्हीकल है वो मूव करने लगता है, तो ये क्या है, केमिकल से मोशन में चेंज हो गया। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हो किसी मेटल में, तो वहाँ क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा उसका फॉर्म। यहाँ से देखो कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे कैसे होता है। जैसे केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे सेल होते हैं, उनमें केमिकल भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम बैटरी की तरह यूज़ करते हैं। जब जो बैटरी है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है। काइनेटिक में कैसे होगी? जब आप केमिकल को व्हीकल्स में डालोगे तो वो मोशन करेंगे, और जैसे ही वो मोशन करेंगे उसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और केमिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट एनर्जी कैसे बनाओगे? अगर आप किसी बल्ब को या ट्यूबलाइट को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हो तो क्या होगा, वो जल जाएगा या ग्लो करेगा, तो उसमें लाइट एनर्जी आ जाएगी। कहाँ से? इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी में चेंज हो गया। वैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को चेंज कर सकते हो लाइट और साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी में कैसे? जैसे कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनसे जिनको इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करवाने पर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे ही केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में भी कन्वर्जन हो सकता है। तो ये कुछ टाइप्स थे जिनसे आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो।
जैसे कुछ और एग्जांपल हैं, सेल का यूज़ हम टॉर्च में करते हैं। जब हम टॉर्च में सेल डालते हैं तो उसमें लाइट जलती है। क्यों? क्योंकि केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो गया। जैसे हमें भूख लगी है, हम कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई भी फूड आइटम्स खा रहे हैं, तो उनमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। और वो खाना खाते ही हमें एकदम से एनर्जी आती है, तब वो जो एनर्जी आएगी उससे हम काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम काम कर रहे हैं तो वो किस में चेंज हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ से केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे हमें ओवन का यूज़ करना है या कोई भी खाना पकाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है, और वो क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है। तो जैसे ही हम उसका प्लग, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ओवन है, इनका प्लग डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा? इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमने जो भी खाना उसमें पकने के लिए डाला है वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हुई। जैसे हमने पीछे कार का एग्जांपल लिया था, कोई कार है उसमें डीजल नहीं है तो वो नहीं चल पाएगी। अगर उसमें हम डीजल या पेट्रोल डालेंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है, जो हमने बल्ब का एग्जांपल लिया था। अब ये जो है सौर एनर्जी या सोलर एनर्जी, ये कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज होती है? जो सन की लाइट है जब वो प्लांट्स पर गिरती है तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और देन अपना खाना बनाते हैं। तो जब वो खाना बना रहे हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी चाहिएगी उनको? केमिकल एनर्जी। तो इस तरह से लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट की गई? केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ देखिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के क्या क्या फॉर्म होते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिया मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में साउंड और लीपिंग फ्रॉग, मूविंग कार, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे मेल्टिंग आइसक्रीम, जब आइस मेल्ट होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी काम आती है? थर्मल एनर्जी। हॉट सूप, गर्म जो सूप होता है उसमें एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी। और जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, इन सब में न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अगर हम बात करें केमिकल एनर्जी की, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। स्टिकिंग मैच, जब हम माचिस को जलाते हैं तो उसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कहाँ होंगी? जैसे बादलों में गड़गड़ाहट होके लाइट चमकती है तो उसमें भी लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। पावर लाइन्स में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है। और जैसे रेडियंट एनर्जी है, वो क्या क्या काम आती है? लाइट को विजिबल करने के लिए, इन्फ्रारेड रेडिएशन के, और सनलाइट, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं और उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ देखो, जो हमने इसके पिछला टॉपिक पढ़ा है वो तो कन्वर्जन का है और ये कंजर्वेशन का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द टर्म एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन एनर्जी चेंजेस फॉर्म्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। वेदर द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी डजंट चेंज। जब भी ये ट्रांसफ़र होती है, ये ट्रांसफॉर्म होती है, तब एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो पहले एनर्जी थी उतना ही अमाउंट रहेगा बाद में भी। ये एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है, ना तो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इनको बना सकते हैं। तो इसी लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। वी यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू गेट एनर्जी फॉर आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल फॉर कुकिंग वी यूज कोल। हम क्या करते हैं, डेली लाइफ में हम एनर्जी पर डिपेंड है, हमें किसी न किसी काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें खाना पकाना है तो हमें उसके लिए ईंधन की ज़रूरत होगी, चाहे वो गैस के रूप में हो, कोयले के रूप में हो, लकड़ी के रूप में हो, केरोसिन के रूप में हो, या बायोगैस के रूप में हो। तो हमें कोई ना कोई एनर्जी के सब्सटेंस की ज़रूरत होती है।
जैसे हमारे खुद की बॉडी का ही एग्जांपल ले लो, हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमें किसी व्हीकल को ड्राइव करना है तो हमें उसमें डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत होगी या फिर कोई भी एनर्जी के सोर्स की ज़रूरत होगी। जैसे ही हम वो एनर्जी का सोर्स अप्लाई करेंगे उस पर हम ड्राइव कर पाएंगे, मतलब वो गाड़ी जो है वो मूव कर पाएगी। तो इसी तरह हम बहुत सारी एनर्जी के सोर्स पर डिपेंड रहते हैं। Various energy resources like kinetic energy of water, heat energy of coal, wind energy were used to generate electricity. With these different sorts of energy are categorized as follows. इनको categorized किया गया है जो इस तरह से है। अब यहाँ से देखो, source of energy को दो parts में divide कर रखा है, conventional source और non-conventional source। जो कन्वेंशनल सोर्स हैं उसमें कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेज हैं। कमर्शियल में आएगा कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कमर्शियल में आएगा फायरवुड, स्ट्रो, ड्राइड डंग। और नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं तो उसमें आएगा बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। ठीक है, ये इस तरह से इनके टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेचुरल गैस, मिनरल, कोल। ये सब क्या है? ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, आर टेकन फ्रॉम अर्थ अंडरग्राउंड, जो अर्थ के अंडरग्राउंड से हमें मिलते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट ऑफ एनिमल्स वर बरीड अंडर द अर्थ ड्यू टू अर्थ्स मूवमेंट। ऐसा कहा जाता है कि बहुत मिलियन साल्स पहले क्या होता था कि जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो दबते हुए जाते थे धरती में, और उन्हीं से क्या जनरेट हुए हैं, ये जो नेचुरल गैस है, कोयला है, ये इन्हीं से काफ़ी मिलियन ईयर्स बाद बने हैं। ये जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल की बॉडी है, ये कई सालों तक ऐसे ही पड़ी रहती थी, और जब उन पर हाई टेम्परेचर आता था, प्रेशर हो आता था, तब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट होती थी और ऑर्गेनिक मैटर बनने लग जाते थे, जिससे वो किस में कन्वर्टेड हो जाते थे, पेट्रोलियम में, मिनरल्स में, कोल में। इसलिए इनको नाम दिया जाता है फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधन। वी कन्वर्ट द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस इनटू हीट एनर्जी, और हम इनको केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ओवर द ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द अर्थ दीज ब्यूरिड एंड कम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हैव बीन कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम एंड मिनरल्स कॉल, इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। वी यूज वुड फॉर कुकिंग फूड, हम खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, लकड़ियों का भी यूज़ करते हैं। फॉर दिस पर्पज फॉरेस्ट आर बींग कट एंड देयर इज स्टोरेज ऑफ वुड, क्या होता है, इसके कारण जो फॉरेस्ट हैं उनमें पेड़ वगैरह काटे जाते हैं, लकड़ियों का स्टोर करके रखा जाता है। फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड बाय अस लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल एट्सेट्रा एंड वुड फ्यूल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और इन सबको क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। Due to increase in population and increased demand of various development sector, the use of conventional energy is increasing day by day. जैसे जैसे population increase होने लगी, वैसे वैसे demand बढ़ने लगी, और क्या होता गया, जो conventional energy है उनका use धीरे धीरे बढ़ता चला गया। Reserve of these fuels is decreasing continuously due to our exploitation from earth. और क्या होता गया, इन जो फ्यूल्स हैं उनका रिजर्वेशन या उनको रिजर्व करके रखना धीरे धीरे कम होता चला गया। द रेट एट विच दे आर बीइंग कंज्यूम्ड देयर रिजर्वर्स आर श्योर टू डिप्लीट वेरी सून एंड देयर विल बी सीरियस एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड, और क्या होता चला जाएगा, अब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंटिन्यूसली इसका जो रिजर्वेशन है, इनको जो रिजर्व करके रखा जाता था, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता जा रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सीरियस एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, मतलब इनका यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होने लग जाएगा, मतलब ये कम होते चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा
कि ये मिलने ही बंद हो जाएंगे, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें इनको लिमिट में यूज़ करना चाहिए कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को बनने में काफ़ी मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। जो नेक्स्ट लाइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इमेजिन दैट वुड हैपन इफ देयर इज़ नो सप्लाई ऑफ पेट्रोल डीजल किचन गैस। सोच के देखो, अगर पेट्रोल डीजल किचन गैस कुछ भी नहीं हो तो क्या आप इन पर डिपेंड रहे बिना कोई काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको बचाना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स क्या क्या होंगे? फॉसिल्स जैसे पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस कोल और वुड फ्यूल्स, और नॉन कन्वेंशनल या अल्टरनेटिव कन्वेंशनल के क्या क्या सोर्स होंगे? सोलर एनर्जी विंड एनर्जी वाटर एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी बायो एनर्जी जिसको बायोगैस भी कहा जाता है या फिर ऑसीन एनर्जी, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे या आप कह सकते हैं ये सोर्स हैं एनर्जी के। अब है नॉन कन्वेंशनल और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम सन विंड वाटर बायोटिक रिसोर्सेज एटॉमिक रिएक्टर ऑसीन एंड अंडरग्राउंड अर्थ एनर्जी आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, हवा से मिलती है, पानी से मिलती है, या जो बायोटिक रिसोर्सेज हैं एटॉमिक रिएक्टर हैं समुद्र हैं या फिर अंडरग्राउंड जो अर्थ की एनर्जी है उनसे मिलते हैं, उनको हम नाम देते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज या अल्टरनेटिव रिसोर्सेज। नेक्स्ट है वी कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज रिपीटेडली। हम इनका कंटिन्यू यूज़ किए जा रहे हैं अनबैलेंस्ड रूप से, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल, इसलिए इनको रिन्यूएबल भी कहा जाने लगा है। एनर्जी रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन अबंडेंस एंड विल नेवर डिप्लीट। साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च टू गेट मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम दीज सोर्सेज, और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं इन रिसोर्सेज से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाने में लगे हुए हैं। देर आर मैनी इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन मार्केट टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटिंग वाटर कुकिंग फूड एट्सेट्रा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिससे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वाटर को हीट किया जा सकता है, फूड को कुक किया जा सकता है, इस तरह से। विंड मिल्स आर इंस्टॉल्ड इन मैनी प्लेस्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन फ्रॉम विंड एनर्जी। जो विंड मिल्स हैं पवन चक्कियाँ हैं वो कई जगह बनाई गई हैं जिससे क्या हो हवा के थ्रू उनके जो पंख हैं वो घूमे और उससे इलेक्ट्रिक जनरेट हो, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो। तो इस तरह आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइडल एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी भी आप इसको नाम दे सकते हैं, और जियोथर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल्स या सोर्स होते हैं। आवर गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग सब्सिडीज टू इंस्टॉल बायोगैस प्लांट्स एंड टू यूज डंग एंड अदर बायो वेस्ट। और हमारी जो गवर्नमेंट है वो नई नई स्कीम चला रही है जिससे बायोगैस प्लांट्स डंग जिसको मतलब गोबर से बनता है ये बायोगैस जो है बायो वेस्ट है इनका यूज़ बढ़े, और इनको हम क्या नाम देते हैं इनको हम बायो एनर्जी का नाम देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हाइट। जब वाटर एकदम हाइट से नीचे की तरफ फ्लो करता है तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। By channelizing water that is flowing downhill, the force of the water can be used to turn turbines and produce electricity. जब water एकदम speed से नीचे की तरफ आता है तो नीचे turbine लगाई जाती है जो घूम जाती है उसके pressure से, और उससे क्या होता है electricity produce होती है, जैसे झरने हैं उनसे electricity produce करवाई जाती है। For the dams are constructed on big rivers. बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं नदी के किनारे। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड हाइड्रो प्लांट, और इस तरह के जो अरेंजमेंट किए जाते हैं उनको हाइड्रो प्लांट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है। दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम बिग सिटीज़ टू स्मॉल विलेजेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर। एटॉमिक और न्यूक्लियर रिएक्टर से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराया जाता है। इस टाइप को हम नाम देते हैं एटॉमिक रिएक्टर। इन राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर एट एटॉमिक एनर्जी स्टेशन। राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करवाई जा रही है? न्यूक्लियर रिएक्टर से। एक एटॉमिक एनर्जी स्टेशन है रावतभाटा, ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ सबमरीन आर ऑल्सो ऑपरेटेड बाई द यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो सबमरीन है उनको भी चलाने के लिए एटॉमिक एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ द ओसीन हार्नेस्ड बाई यूजिंग टाइड्स हैव पावर एंड यूजिंग ओसीन वाटर टेम्परेचर वेरिएशन इज कॉल्ड अ ओसीन एनर्जी। जो समुद्र हैं बड़े बड़े उनसे भी एनर्जी जनरेट करवाई जाती है। किस किस से? जो टाइड्स उठते हैं उसमें जो ज्वार भाटा उठते हैं उनसे भी एनर्जी जनरेट करवाई जाती है। और जो उनकी वेव है उनकी क्या पावर है और उनका टेम्परेचर वेरिएशन के बेस पे भी उनमें जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है उसको नाम देते हैं ओसीन एनर्जी। एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ, जब हम अर्थ के एकदम डीप में जाते हैं देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या होगा? जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इसको हम क्या नाम देते हैं? थर्मल एनर्जी, जो अर्थ के अंडरग्राउंड में होती है। कैन बी ट्रांसफर्ड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो थर्मल एनर्जी है इसको भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो कन्वर्जन है इसको बोलेंगे जियो थर्मल एनर्जी। तो आज की क्लास में हमने वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ा। आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस।